धीरेन्द्र राय सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने वासी बच्चों से हमें प्रताप करें। परमादरणीय विभाग के माननीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर बसु सर, माननीय पूर्व विभागाध्यक्ष एवं विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर अनुराग दवे सर, बड़े भाई व इस विभाग के वरिष्ठ आचार्य माननीय ज्ञान प्रकाश मिश्रा सर, इस विभाग के अवभूषित प्रोफेसर डॉक्टर बाला लखेंद्र सर, हमारी अग्रजा डॉक्टर नेहा पांडे मैम, और जो मूर्त अमूर्त विभाग और विभाग के बाहर कहीं भी विद्यमान शिक्षक मित्र हैं, प्रणाम। पहली पंक्ति में इधर और इधर दोनों तरफ बैठे हुए इस विभाग के भावी प्रोफेसर बंधु मित्र और विद्यार्थी साथी, आदर्श प्रतिमान विभाग पहले क्या होता था, अब क्या होता है, ये सारी बातें लगभग लगभग हो चुकी है, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। मुझे शिक्षक दिवस के अवसर पर ये जरूर लगता है कि अगर किसी गुरु को शिष्य के अंदर शिष्यत्व की चाहत है, तो मुझे लगता है कि उस गुरु को भी अपना गुरुत्व बचाए रखने की जिम्मेदारी निभानी है। अगर आप अपना गुरुत्व नहीं बचाएंगे तो किसी शिष्य के साथ वो गुरुत्वाकर्षण आप पैदा नहीं कर सकते जो एक परस्पर अंतर संबंधों का है, जिसमें एक ऐसे दौर में आप सोचिए कि जहाँ जीविकोपार्जन हेतु विषय का चयन हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर रहा हो, लगातार अपने पड़ोसी रिश्तेदार मित्रों के साथ ये बताने में उसको कोई गुरेज नहीं है कि हमारा बच्चा आकाश हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में पढ़ रहा है और छूटते ही नौकरी मिलेगी किसी चैनल में। आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे ही मार्क्स कम आते हैं थोड़े से, तो पड़ोसी के बच्चे के साथ हमारी तुलना होती है और हमें निकम्मेपन का प्रमाण पत्र भी मिलना शुरू हो जाता है। जो मित्र हैं उनको भी घाट और आसपास के परिवेश में घूमने के अलावा मुझे लगता है कि हमारे लिए समय नहीं है, वो हमारे लिए टाइम पास है। शिक्षक क्लास या सब्जेक्ट की बातों से इतर न जाए तो फिर आप थोड़ा सा रुक करके जिस बात की तरफ आपने चर्चा किया, एक स्वीपर के बहाने ही सही, मैं कहता हूँ कि एक विद्यार्थी के मन में झांकने की फुर्सत किसी के पास है। नैतिकता, आदर्श और उन सारी चीज़ों की बातचीत हम जरूर कर लेते हैं, लेकिन उन आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया क्या हो, कम से कम कोई शिक्षक यह भी पता है। बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे दार्शनिकों के दर्शन भी हम उतार देते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारने की प्रक्रिया क्या हो यह भी पता है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि वह गुरु शिष्यत्व की चाहत न रखे तो ज़्यादा बेहतर। आप अपने प्रोफेशन का निर्वाह करिए, विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन को बिता करके क्लास से बाहर जाए, वह भी अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ा रहे, मुझे लगता है कि ये संबंध बस बना रहे और इन संबंधों के निर्वाह में आप गुरु और शिष्य मत, आप प्रोफेसर रहिए और वो स्टूडेंट है, बस इतना ही होगी। न्याय मैम ने कहा अभी कि हम लोग थे तो मैं भी उसी दौर का विद्यार्थी हूँ, और बसु सर हम लोग के गाइड जरूर थे, लेकिन मुझे लगता है कि डिजर्टेशन हम लोग ने विभाग के दो तीन सीनियरों के अंडर में ही किया। निश्चित तौर पे आपने कहा कि विभाग उस समय सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता, ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ शिक्षक भी बढ़ते गए, दो से हम नौ हुए, तो जिस परिपाटी को लेकर के आप आई थी, जिस परिपाटी को लेकर के हम आए थे, उस लेगेसी को हमने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ये फेल्योर किसका? तीन से नौ, हाँ उस जमाने में जब तीन लोग थे तो मैडम और दवे सर में ये रहता था कि सर या तो रिसर्च वर्क से, मैडम या तो किसी विशेष वर्क से, हमेशा एक आदमी छुट्टी पे ही रहता था। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि जिस दौर में आप छुट्टी पे थे उसी दौर में हम लोग दो ही साल का तो कोर्स होता है, तो वही शोध का दौर था, फिर बाद में मैडम की छुट्टी, तो दो ही लोग उस समय थे, इसलिए बाद में। और
ऐसा क्या हुआ हमने कंटिन्यू नहीं किया उसे? और मुझे लगता है यू विल वंडर ड्यूरिंग माय वेकेशन आई वाज हियर टू टेक क्लासेस फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इवन आई वाज ऑन वेकेशन तो छुट्टी के बाद आई वाज टेकिंग क्लासेस तो माय डेडिकेशन इज डिफरेंट. मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छा हो कि सर का 3 महीने का कार्यकाल बचा हो, उस मार्गदर्शन में हम एक बेहतर विभाग बना पाए, बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाए. और आज के शिक्षक दिवस के दिन यह संकल्प हम सभी ले कि हम एक बेहतर शिक्षक और विद्यार्थी. मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आचरणशील है तो अपनी आचरण और अपनी मर्यादा में रहते हुए जितनी बार अनुशासन को ब्रेक करेगा वो ज्ञान के ज्ञानानुशासन के उस तमाम अवरोधों को पार करके एक नई चीज़ खोज करके लाएगा. और ये आपका अनुशासन ब्रेक करना ही आपकी लेखनी में, आपके जीवन में, आपके आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हमेशा उस पूरे आप समझिए कि नेचर और बिहेवियर के फर्क को हम क्यों नहीं समझ. एक बच्चा क्लास के पहले टेबल पे बैठ करके अगर पहले ही दिन थोड़ी बहुत उदंडता किया तो हो सकता है वह छाड़ी खोले, लेकिन उसका नेचर उदंड नहीं है. लेकिन जब एमएस बिल्डिंग होती है तो हम उसके मन में कम से कम 1-2 सेमेस्टर तक, जब तक वह उस तरीके से प्रूफ नहीं कर पाता हम तोड़ ही नहीं पाते उस इमेज. उसका उसकी प्रकृति उदंडता की नहीं है. हो सकता है वह छाड़ी को पीछे के किसी वितरण ने उसके साथ थोड़ा बहुत मजा लिया हो और आगे वाले से हमने ये देखने की कोशिश की और हमें ये दिखा कि नहीं ये तो बड़ा उदंड है ऐसा कर, ऐसा नहीं. तो हमें उसके नेचर और बिहेवियर को अलग अलग करके देखना. जिस दिन हम व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृत्ति को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि कोई विभाग, कोई संस्थान, कोई शैक्षणिक पूरा का पूरा ये प्रवाह उन अंतर अनुशासनों की तरफ बढ़ता जाएगा जहाँ हम शिष्यत्व और गुरुत्व की परिकल्पना करते हैं. आपने आयोजन किया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.